Hello friends, welcome back to my channel Passion for Literature. और आज इस वीडियो में हम जिस नॉवल की समरी करने जा रहे हैं वो है द फेमिस्ट रोड और इसके राइटर हैं बेन ओकरी. ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवल है यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आज इस वीडियो में इसकी डिटेल समरी हम करेंगे. सबसे पहले बेन ओकरी के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं. बेन ओकरी बॉर्न हुए थे मार्च 15, 1959 में बॉर्न हुए थे. ये बेसिकली एक नाइजीरियन बॉर्न ब्रिटिश पॉइट है और नॉवलिस्ट है. और बेन ओकरी से रिलेटेड डिटेल वीडियो जो है मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. ओकरी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फॉरमोस्ट अफ्रीकन ऑथर इन पोस्ट मॉडर्न एंड पोस्ट कॉलोनियल ट्रेडिशन. पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल ट्रेडिशन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफ्रीकन ऑथर है बेन ओकरी. और उनको कंपेयर किया जाता है बेन ओकरी को जो राइटिंग स्टाइल है उनके लिए उनकी कंपैरिजन की जाती है सलमान रश्दी और गैब्रियल ग्रेसिया मार्क्स. तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं लेके आई हूँ और कई बार यूजीसी नेट में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि उनका कंपैरिजन किससे किया जाता है, बेसिकली कौन किन कंट्री के राइटर हैं. और इन 1991 ओकरी वॉन द बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवल द फेमिस्ट रोड. 1991 के अंदर इनके जिस नॉवल की समरी आज हम कर रहे हैं द फेमिस्ट रोड के लिए उनको बुकर प्राइज मिला है. और वो बेन ओकरी यंगेस्ट थे जिनको एज ऑफ 32 में ये अवार्ड मिला था. तो वन ऑफ द यंगेस्ट विनर भी हैं ये इस प्राइज के लिए. He received a knighthood in 2023 birthday honor for service to literature. Literature की service के लिए 2023 का उनको knighthood जो है वो award उनको दिया गया. अब कुछ points Famished Road के बारे में novel के बारे में हम कर लेते हैं. The Famished Road is a novel by Nigerian author Ben Okri, the first book in a trilogy. और basically The Famished Road जो है वो एक trilogy है. Trilogy means इसके three parts हैं. सबसे पहला जो part है वो है The Famished Road जो कि जिसकी summary आज हम करेंगे. इसका second part है Songs of Enchantment जो कि publish हुआ था 1993 के अंदर. और इसका third part है Infinite Riches जो कि publish हुआ था 1998 के अंदर. इसका अगर टाइप पूछा जाए तो ये नॉवल जो है वो मैजिक रियलिज्म है. इसके अंदर इसकी सेटिंग जो है 1950-1960 के बीच की है. इसके पब्लिशर है जोनाथन केप और ये पब्लिश हुआ था नॉवल 14 मार्च 1991 इन लंदन. लंदन के अंदर पब्लिश हुआ था. द नॉवल रिटर्न ड्यूरिंग टाइम फ्रॉम 1988 व्हेन ही लिव्ड इन अ नॉटिंग हिल फ्लैट. और अगर इसका टाइम पीरियड पूछा जाए कि ये नॉवल कब लिखा गया था तो ये 1998 में लिखा गया था. और जब बेन ओकरी नॉटिंग हिल फ्लैट में रह रहे थे तब वहां पे उन्होंने ये लिखा था. तो ये कुछ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी है आपको याद रखना यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से. और अब हम इसकी समरी करेंगे. सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स इसके देखते हैं. अजारो. अजारो जो है स्टोरी का नरेटर है. He is an abaku or spirit child. Azaro जो है एक spirit child है. Spirit means कि वो एक ऐसी आत्मा है कि जिसको बहुत सारी चीजें पहले से पता चल जाता है किसकी लाइफ में क्या चल रहा है. यानी वो spirits से भी बात कर सकता है और जो live persons हैं जो जीवित हैं उनसे भी बात कर सकता है. Azaro के father second character है. Azaro mother Madam Koto जो एक लोकल बार की ओनर है. उसके बाद जेरिमा द फोटोग्राफर ये एक यंग आर्टिस्ट है. और उसके बाद है द लैंडलॉर्ड और वो है एक पार्टी है रिच और पुअर की. तो वो रिच की पार्टी को सपोर्ट करते हैं. तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल के अंदर. द स्टोरी इज टोल्ड बाय प्रोटागनिस्ट अजारो. ये नॉवल की जितनी भी स्टोरी है उस को बोलने वाला बताने वाला प्रोटागनिस्ट है जो है वो अजारो है. अजारो जो है अपनी मम्मी और पापा के साथ जिसको वो मॉम एंड डैड बोलता है तो अपनी फैमिली के साथ एक अफ्रीकन कंट्री में रहता है जहाँ पे आसपास और बहुत सारी फैमिलीज रहती है. छोटे से घर में रहता है. बेसिकली वो एक एबिकू है. एबिकू यानी एक स्पिरिट चाइल्ड है. स्पिरिट चाइल्ड मतलब बहुत सारे जैसे
माइथोलॉजी में या वैसे भी हर कंट्री में बताया जाता है कि जैसे एक टाइप से ये होता है कि उसकी डेथ हो गई थी लेकिन दोबारा जीवित हो गया, तो उस टाइप का ये बच्चा है। और बहुत सारी यानी जो डेड स्पिरिट्स हैं, जो बुरी आत्माएं हैं या मरी हुई आत्माएं हैं, वो उसको बुलाती हैं, वो चाहती हैं कि वो भी मर जाए और वो भी एक जो है स्पिरिट बन जाए। लेकिन अबेकू चूज करता है कि वो धरती पर रहेगा, जीवित रहेगा, अपने पेरेंट्स माता पिता के पास रहेगा। लेकिन उसको अबेकू, जो अबेकू चाइल्ड होते हैं, उनको आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनके साथ क्या होने वाला, वो सारा सारी चीजें पता चल जाती है। तो इसी तरह से इसको अजारो को भी बहुत सारी चीजें आसपास के लोगों में जो उनके साथ होनी होती है उन चीजों का पता चल जाता है। इसका जो प्लॉट रहा है वो लूज रहा है, नॉन लिनियर, मतलब कभी पास्ट में कभी प्रेजेंट में ऐसी स्टोरी जो है वो चल रही है। इस पूरे नॉवल के अंदर एजारो की कहाँ पे वो घूमता फिरता है, वो सारी उसकी शरारतें, बहुत ही मिस्चीवियस चाइल्ड रहा है एजारो इसके अंदर, और कैसे उसको उठा लिया जाता है, बार बार उसकी डेथ होती है, मतलब ऐसे पॉइंट पे वो पहुंच जाता है बार बार कि वो मौत की कगार पे पहुंच जाता है लेकिन फिर से वापस आता है। यानी कहीं ना कहीं जो बैड स्पिरिट्स है वो अपनी तरफ खींचती हैं, जबकि अजारो जो है वो जीवित रहना चाहता है। तो उसके बीच में ये सारा सारा नॉवल चलता रहता है। और इसके अंदर मैडम कोटो भी है, उसके अंदर ये बताया गया, जो मोस्टली नॉवल की सेटिंग्स से होती हैं वो मैडम कोटो के जो बार है, बार चलाती हैं वो उस पे होती हैं। और उसके बाद जो मैडम कोटो है उसका स्टेटस बहुत हाई होता जाता है टाइम के साथ साथ, जबकि जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीब गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। तो ये सारा इस नॉवल के अंदर है। इस नॉवल को बेसिकली, इस बुक को जो है 8 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। और नॉवल के अंदर जो थीम्स है वो बहुत सारी थीम्स हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर दिखाया गया है कि जो ये कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, इसके अंदर टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस जो है वो कैसे होती है और कैसे नेचुरल जो वर्ल्ड है उसको उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, उसको पूरी तरह से बर्बाद किया जाता है। और लोग जो है, आम आदमी जो है, उनके अंदर कैसे गरीबी है, कैसे भुखमरी है, वो सारा इस नॉवल के अंदर दिखाया गया है। सबसे पहले जो बुक होती है उसके अंदर अजारो को दिखाया जाता है कि अजारो को किडनैप कर लिया जाता है, वो एक करप्ट पुलिसमैन जो है उसको किडनैप कर लेता है। लेकिन बाद में किसी तरह से एक हर्बलिस्ट जो है वो अजारो की मॉम को बताता है और उनको अजारो मिलता है, और कैसे अजारो को घर लाने के बाद एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया जाता है। और उस सेलिब्रेशन के चक्कर में जो है अजारो के फादर जो है वो कर्ज में डूब जाते हैं, और उसको चुकाने में फिर उनको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मैडम कोटो को पता था कि अजारो जो है वो एक स्पिरिट चाइल्ड है, यानी कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी चीजों का पहले से ही पता रहता है। तो मैडम कहीं ना कहीं अजारो को शुरू में ये मानती है कि वो बहुत ज्यादा लकी है और उसके बारे में बहुत सारे कस्टमर आएंगे अगर अजारो जो है वो उसके पास आ जाएगा, यानी उसके बार में आके रहने लग जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद लेकिन ये बाद में ऐसा नहीं होता है। अब बुक 2 में ये दिखाया जाता है कि कैसे जो पॉलिटिशियंस हैं वो मैडम कोटो के बार पे अटैक करते हैं और कम्युनिटी वाले लोगों को डिवाइड कर देते हैं, यानी झूठे झूठे प्रॉमिस करते हैं। इसके अंदर, नॉवल के अंदर भी दिखाया गया है कि पॉलिटिशियंस कैसे अपने फायदे के लिए आम लोगों को, गरीब लोगों को जो है वो बेवकूफ बनाते हैं और उनका फायदा उठाते हैं, उनकी गरीबी का, उनकी बेरोजगारी का, हर चीज का फायदा कैसे उठाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस तरह से डिवाइड हो गई है कि पार्टी ऑफ द रिच हो गई है और पार्टी ऑफ द पुअर हो गई है, दो टाइप की पार्टी वहां पे हो गई है। और जो अजारो और उसकी फैमिली थी वो पार्टी ऑफ द पुअर थी, और जो मैडम कोटो होती हैं और जो लैंडलॉर्ड होता है वो बेसिकली पार्टी ऑफ द रिच की साइड होते हैं, और भी रिच पीपल उसके अंदर होते हैं। पार्टी और हंगर जो है वो आम लाइफ, लोगों की लाइफ को किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है, और पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए कैसे उसका फायदा उठाते हैं, वो सारा इसके अंदर दिखाया गया है। अब यहाँ पे जो पार्टी ऑफ रिच है वो अपने आप को जीतने के लिए, जिताने के लिए लोगों के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको पाउडर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, दूध देती हैं उनको, पाउडर्ड मिल्क देती हैं। और जिसकी वजह से, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो वो पाउडर था दूध वाला, वो
पॉइजनस था, जहरीला था, और उसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, एकदम से बुरी तरह से डेडली इल हो जाते हैं। और इस तरह से गांव के अंदर जो है, जो उनका एरिया होता है उसके अंदर भयानक दंगे फैलते हैं, यानी यहाँ पे ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है पार्टी ऑफ द रिच एंड पार्टी ऑफ द पुअर के बीच में। यानी सब एक दूसरे के पॉलिटिशियन जो है एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं कि किसकी गलती से क्या हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। अजारो और उसकी फैमिली इससे बच जाते हैं क्योंकि अजारो के फादर को पॉलिटिशियंस पे यकीन नहीं था, उनको उनकी इंटेंशंस का पता चल गया था और वो उस दूध को फेंक देते हैं। बुक थ्री के अंदर दिखाया गया है कि जो कैसे पॉलिटिशियंस जो है गरीब लोगों को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका ऑपरेशन करते हैं। अब अजारो की फैमिली को, क्योंकि अजारो की पॉलिटिकल व्यूज जो है अजारो की फैमिली अपने रखती हैं, तो उसकी वजह से उनके पॉलिटिकल व्यूज के कारण उनके डोर पे एक मार्क कर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे अलीबाबा 40 चोर के अंदर घरों के बाहर साइन एक बना दिया था, तो ऐसे मार्क बना दिया गया था यानी कि उनको परेशान करना है, उनको बहुत बुरी तरह से उनको प्रेशराइज करना है, ये सारा ताकि अमीर लोग उनको प्रेशराइज कर सकें और वो अपने पॉलिटिकल व्यूज ना दें। तो इसकी वजह से अजारो की फैमिली को बहुत परेशान किया जाता है, और उनका जो लैंडलॉर्ड है वो भी उनको बहुत परेशान करता है क्योंकि उनके पॉलिटिकल व्यूज के कारण उनके जो मकान का किराया था वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, और लैंडलॉर्ड लगातार उनको प्रेशराइज कर रहा था रेंट देने के लिए। उसके बाद इन सारी चीजों के बीच में एक जो फोटोग्राफर थे वो अजारो को बहुत सारी पिक्चर्स दिखाते हैं जिससे अजारो बहुत ज्यादा परेशान होता है, जिसमें दिखाया गया है कि अमेरिकन लिंचिंग का एक फोटोग्राफ दिखाता है, उसके साथ वो एक फोटोग्राफ भी दिखाता है जिससे ये पता चलता है कि जो पाउडर मिल्क था वो पॉइजनस था और किसने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये भी पता चल जाता है। बुक फोर के अंदर क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो मैडम कोटो के बारे में दिखाया गया है कि मैडम कोटो का जो बार है वहां पे बहुत सारे लोग जो है वो आने शुरू हो गए थे, और मैडम कोटो का जो बार था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, उसका जो फ्रेम था वो बड़ा होता जा रहा था मैडम कोटो का, वो बड़ी बड़ी बहुत सारी बैंगल्स पहनने लगी थी, नेकलेसेस पहनने लगी थी उसके बाद, और वो इस तरह से एरोगेंट हो गई थी जिस जैसे किसी इंसान को जब नई नई दौलत मिलती है तो उसके बाद होता है, तो उस तरह से वो बिहेव करने लगी थी। और उसके बाद इस साइड अजारो को जो है जो बेड स्पिरिट है, मैनी हेडेड स्पिरिट यानी बहुत सिर वाली जो स्पिरिट है, वो बार बार अपने वर्ल्ड में खींचने की कोशिश करते हैं, यानी जो बुरी स्पिरिट्स हैं वो चाहती हैं कि अजारो उनके वर्ल्ड में आ जाए और अजारो की डेथ हो जाए और वो स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाए, लेकिन अजारो बार बार रिफ्यूज कर देता है उन स्पिरिट्स के साथ जाने से, यानी मरने से मना कर देता है, और वो बार बार इसी अर्थ पे वापस आ जाता है क्योंकि अजारो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था, अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, और वो चाहता था कि उसकी मदर जो है वो हमेशा स्माइल करती रहे। बुक फाइव के अंदर अजारो को जो है अजारो एक विंडो तोड़ देता है, और उसके बाद वो डिसाइड करता है, उसको पनिशमेंट दी जाती है, और उसके बाद अजारो खाना पीना बंद कर देता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाता है और जिंदगी और मौत के बीच में झूलने लगता है, यानी उसकी डेथ जो है वो होने वाली होती है उस। लेकिन बाद में उसकी माँ इतने अफर्ट करती है कि जिसके मदर और फादर की एफर्ट की वजह से वो वापस लैंड ऑफ लिविंग पे वापस आता है, यानी स्पिरिट जो है पूरे नोवल के अंदर बार बार अजारो को अपने साथ ले जाने के लिए आती है, यानी अजारो जो है वो बेड स्पिरिट और इस लैंड के बीच में झूलता रहता है बार 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 बार। उसके बाद बुक सिक्स में दिखाया गया है कि अजारो की फादर की डिजायर होती है कि वो एक बहुत बड़ा बॉक्सर बने, और उसके लिए वो ट्रेनिंग भी लेता है और बहुत सारा खाना भी खाना स्टार्ट करता है, लेकिन इस साइड क्या होता है कि खाने की कमी की वजह से उसकी अजारो की माँ और अजारो जो है ये भूखे मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद अजारो का जो लेकिन खुश होता है कि कम से कम उसके फादर का जो एम्बिशन है, जो बनना चाहता है बॉक्सर, वो बनेगा। और उसके बाद
यहाँ पे दिखाया जाता है कि मैडम कोटो जो है उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, और गांव के अंदर जो सबसे पहले बिजली आती है वो मैडम कोटो के ही बार पे आती है। उन्होंने एक पर्सनल कार भी खरीद ली थी मैडम कोटो ने। और दूसरी साइड जो थी, जो गांव वालों की सिचुएशन थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल थी। उसके बाद जो है, जो अजारो के फादर थे वो गरीबी से, आम लोगों की गरीबी से और उनकी एजुकेशन के लिए इतना परेशान थे कि वो चाहते थे कि जो भिखारी है उनको भी अच्छी एजुकेशन मिले, उनको भी ट्रेनिंग मिले। उनके बहुत सारे प्लान्स थे, लेकिन वो सारे के सारे प्लान जो है वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद जो है, जो अजारो के फादर है वो एक बॉक्सर ना बन के एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन बनने की ख्वाहिश रखते हैं। वो चाहते हैं कि वो एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन बन जाए। बुक 7 के अंदर फादर अपना कैरियर जो है एज ए पॉलिटिशियन में बनाना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं। मैडम कोटो एक बहुत बड़ी जो है ग्रैंड पार्टी देती हैं अपने स्टेटस के बढ़ने के उस उपलक्ष में, और उसके हजारों के फादर चाहते हैं कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो भी उनसे उनसे बात करे, और जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर डिस्कशन हो। और इसी बीच में क्या होता है, एक आदमी होता है व्हाइट सूट में, उसके साथ उसके डैड की लड़ाई होती है, और वो लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि हालांकि उसके फादर जो है इस लड़ाई में जीत जाते हैं, लेकिन अजारो के फादर की बॉडी और माइंड बुरी तरह से खराब होती है, और वो आईसीयू में पहुंच जाते हैं, कोमा में पहुंच जाते हैं। काफी दिन तक उनके फादर जो है वो कोमा में रहते हैं। उसके बाद अजारो की और उसकी मदर की हेल्प से जो है वो अजारो के फादर वापस स्पिरिट वर्ल्ड से वापस इस लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। और नोवेल के फाइनल सेक्शन में ये होता है कि इसके अजारो के फादर सपना देखते हैं कि वो कैसे इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, वो आजादी के लिए, न्याय के लिए, सम्मान के लिए कैसे गरीब लोगों को दिलाते हैं उनका सम्मान, उनकी डिग्निटी, उनका उनकी फ्रीडम, उनकी जस्टिस, और कैसे जो लोगों को लगातार ओप्रेस किया जा रहा था उससे छुटकारा दिलाते हैं। फाइनली ही वेक्स अप, ही टेल्स अजारो। उसके बाद फाइनली अजारो के फादर उठते हैं, यानी जो वो कोमा में थे उससे बाहर निकलते हैं। ही टेल्स अजारो टू टेल ऑल लिविंग थिंग्स एंड टू फाइंड द गुड इन ऑल एनकाउंटर्स। और वो अजारों को कहते हैं कि तुम्हें लाइफ में जो भी जीवी चीजें मिलती हैं उन सब की रिस्पेक्ट करनी है, और उन सब के अंदर तुम्हें अच्छाई देखनी है। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब अजारो उठता है तो वो देखता है कि उसके दोनों ही पेरेंट्स गायब है, और यहीं पे स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बेसिकली इस नॉवल के अंदर बहुत मुश्किल है ये पता करना कि कहाँ स्टोरी जो है वो लिविंग में चल रही है और कहाँ स्टोरी जो है ड्रीम वर्ल्ड में चल रही है। यानी इस नॉवल के अंदर मैजिक भी है और रियलिज्म भी है, यानी दोनों का ही एलिमेंट है इसके अंदर। तो बेसिकली जो नॉवल का नाम है द फेमिस्ट रोड, फेमिस्ट मीन्स भूखा, तो भूखा रोड से रिलेटेड भी, जैसे फोक टेल्स हर कंट्री के अंदर फोक टेल्स होती हैं, बच्चों को बताते हैं पुरानी समय टाइम में ये हुआ था, तो इसी तरह से अजारो के फादर जो है उसको बहुत छोटी छोटी कहानियां सुनाते थे। तो वो एक बार एक इसी नॉवल के अंदर एक और स्टोरी अजारो के फादर अजारो को सुनाते हैं, फेमिस्ट रोड की स्टोरी। वो कहते हैं कि एक बार जो है रोड का किंग था, और वो रोड का जो किंग था वो था जियांट, और वो जियांट जो था वो रहता था जंगल के अंदर। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने जंगल काटने शुरू किए तो जियांट जो है वो रोड पे आ गया, और उसके बाद उसने लोगों को खाना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों ने उससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया कि उसके खाने के अंदर उसको जहर दे दिया। जहर से जियांट तो मरा नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि जियांट इतना ज्यादा भूखा हो गया कि इसके सामने जो भी चीजें आती, पेड़ पौधे पत्ते पक्षी जानवर जो भी आता उसी को उसने खाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो इतना भूखा हो गया कि उसने खुद का ही की बॉडी जो है वो खानी स्टार्ट कर दी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे वो अपने आप को ही खाना उसने शुरू कर दिया। उसके बाद लगातार 7 दिन तक बारिश हुई, और बारिश में क्या हुआ, उसकी इतनी बारिश हुई कि उसकी बॉडी जो है मेल्ट हो गई, और उसका जो स्टमक था सिर्फ वही बचा था, बाकी बॉडी उसने अपने खुद की खा ली थी, और वो स्टमक
स्टमक जो है उसका मेल्ट होके वो रोड पे पिघल गया था। तो उसके फादर ये कहते हैं कि जो आज के टाइम पे जो इतने रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो वो इसीलिए हो रहे हैं कि जो जो रोड का जियांट है वो अभी भी भूखा है, फेमिस्ट मीन्स भूखा है। तो ये कहानी अजारो के फादर उसको अजारो को समझाते हैं कि अगर आप कभी भी रोड पे जाते हो तो बहुत ज्यादा सोच समझ के आपको जाना चाहिए, यानी कि रोड जो है वो अभी भी भूखा है, उसको अभी भी भूख लगती है, इसीलिए रोड्स पे इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बेसिकली ये एक फोक टेल थी जो अजारो के फादर अजारो को बताते हैं, और इसी के ऊपर इसका नॉवल का नाम है द फेमिस्ट रोड। तो इसी के साथ ये नॉवल की एंडिंग हो जाती है, यहीं पे एंडिंग हो जाती है। अजारो जब उठता है तो देखता है उसकी उसके पेरेंट्स दोनों ही गायब होते हैं। तो बेसिकली मैजिक और रियलिज्म दोनों ही था इसके अंदर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए, और जितने ही नॉवेल्स की समरी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारा सारे जो है वो बुकर प्राइज या कोई ना कोई और विनर प्राइज नॉवेल्स हैं। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।